हाँ जी बाबा, बॉम्बे के माता और भाई जो सेवा के लिए गए थे अबू में, तो पहले भाई लोग दो दिन सेवा करने की कोशिश की तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने कोई भी तरह का सेवा करने की परमिशन नहीं दी। जब माताएं सेवा के फील्ड में सामने आए तो सब चीज के लिए ऑटोमेटिक परमिशन भी मिल गई और सेवा में सफलता भी मिली और सेवा सरल भी हो गई, जिसकी वजह से भाई उनकी भी सेफ्टी हो गई बाबा। माताएं जब फील्ड पे आने से और जब से माताएं जैसे बॉम्बे में दो तीन जगह पे जब सेवा हुई तो जब माताएं सामने सेवा के फील्ड पे आई तो सफलता ही मिल रहा है बाबा। तो मतलब ये जब माताएं फील्ड पे आ रहे तो जैसे चमत्कार हो रहा है बाबा सेवा पे। तो बाबा इसीलिए तो कहते हैं माता गुरु को आगे करो, सेफ्टी हो जाएगी। और बाबा 19 फरवरी को अबू में शिवरात्रि के दिन जब अवतरण था तो एडवांस पार्टी शांतिवन तक पहुंची, तो एक भी बीके जब 8 प्रश्नों को लेकर के पहुंचे थे, एक भी बीके जवाब देने के लिए बाहर नहीं है बाबा। तो सब चुप बैठे हुए थे डायमंड हॉल के अंदर, तो एक भी नहीं बाहर है। वो कहते हैं भगवान की मुरली छोड़ करके हम फालतू बातों में क्यों पड़े। मगर बाद में तो आके चुप चुप करके संदेश लिया बाबा और किताब भी लिए, और सबसे अच्छा तो अबू के रोड वालों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया बाबा। बाद में पुलिस ही सबसे जास्ती ज्ञान सुने बाबा, और पुलिस ही एडवांस पार्टी को सपोर्ट दे करके उनको सेवा करने के लिए मदद दिया बाबा। क्या सपोर्ट किया? ये हम तो हमारा ड्यूटी है वहां से इनको रोकना पड़ता है, मगर आप सेवा करते चलिए आगे करके। अच्छा, बाहर से FIR भी दर्ज कर देंगे। और जब राम की रावण बनता है तो कौन मारता है हुँ? जब राम की रावण बनता है तो उसे कौन मारता है? भगवान का असली नाम क्या है? है भगवान का असली नाम रामकृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, या असली नाम कोई और है? शिव माने क्या है? वो सदैव कल्याणकारी है। तुम उसे भूल गए क्या? है राम तो आत्मा है न कि भगवान है। आत्मा सतो प्रधान भी बनती है और लास्ट में तमो प्रधान भी बनती है। जितनी पावरफुल बैटरी वाली आत्मा होगी उतनी जास्ती सतो प्रधान भी बनेगी, और बाद में डिस्चार्ज होगी या पहले डिस्चार्ज होगी? है बाद में डिस्चार्ज होगी। तो जब डिस्चार्ज होगी तो डिसर्विस ही जास्ती करेगी या नहीं करेगी? है हाँ, लेकिन उसकी डिसर्विस में भी सर्विस भरी हुई होती है। विनाश कल्याणकारी है, जब तक विनाश नहीं होगा तब तक स्वर्ग की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। तो शिव बाबा ही कल्याण करते हैं। संगम युग में शूटिंग होती है 5000 वर्ष के ड्रामा की, तो आत्माएं सतो प्रधान भी बनती हैं। और कलयुग की भी शूटिंग होती है तो आत्माएं तमो प्रधान भी बनती हैं। कोई तो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती होगी। तो बड़े से बड़ा विनाश कौन करेगी? है
जो सबसे जास्ती तमो प्रधान बने वो ही बड़ा सा बड़ा विनाश करावेगी। तो ड्रामा बना हुआ है, राम ही रावण बनता है। और एक शिव है जो कभी तमो प्रधान नहीं बनता, उसी के द्वारा कल्याण होना है। और माया क्या है? मा अर्थात नहीं, आया माने आया, नहीं आया होता तो अच्छा होता। लेकिन वो आया और किसी में आया, परमपिता परमात्मा में आया या आत्मा में आया? आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, सुख भोगने की आदि हैं। तो आत्माओं में माया भी आती है। परमपिता परमात्मा सुख भोगने का आदि नहीं है, वो अभोक्ता है। इसलिए उसको माया कभी भी प्रभावित नहीं करती। हाँ, उसकी याद में कोई अगर 100% रहे तो उसको भी माया प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन याद की पावर भरने वाली बैटरीज नंबर वार हैं, एक जैसी बैटरी नहीं है। इसलिए कमजोरी रह जाती है। वो कमजोरी का नाम ही माया है। वो कमजोरी नहीं आनी चाहिए। आती है इसका मतलब है आत्मा को जितना याद करना चाहिए, याद में जितना टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं दिया है। माया को टाइम ज्यादा दिया है। भगवान बाप इस सृष्टि पर आ भी जाता है, जान भी जाते हैं माया का आसरा नहीं लेना चाहिए, बाप को ही याद करना चाहिए, उसी में भलाई है। फिर भी 63 जन्मों के संस्कार आगे आड़ जाते हैं। और आत्मा में कमजोरी भर जाती है। और ये ड्रामा बना क्यों?
हैं? ये ड्रामा बना क्यों? हाँ बना क्यों है? खेल खेलने के लिए? बाद में भी खेल खेल करना अच्छा लगता है खराब लगता है? अच्छा है, तरीके से खेले तो अच्छा लगता है। कोई होते हैं लगातार हारते रहते हैं तो अच्छा लगेगा है? हारना अच्छा लगता है या खेल में जीतना अच्छा लगता है? जीतना अच्छा लगता है, तो जीतने के लिए खेल बना हुआ है। खेल खेलते जाओ और जीतते जाओ। बाबा तो कहते हैं विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ बाबा, बेहद में विश्वामित्र अशोक बाबा, फिर त्रिशंकु को काम। जो समझता है दूसरों को समझाता है वो मित्र है, या जो समझता ही नहीं न समझने के कारण लंबे टाइम तक बेसमझी रहने के कारण दूसरों को समझाने के बजाय और ही उल्टा रास्ता बता देता है, तो वो ज्यादा कल्याणकारी है। अब कंट्रास्ट करो, एक है राम बाप वाली आत्मा और एक है कृष्ण बच्चे वाली आत्मा, कौन जल्दी समझता है और कौन नहीं समझता है? तो रावण कौन हुआ? गुरु लोग जल्दी समझते हैं या देर में समझते हैं? देर में समझते हैं। और गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन है? देहदारी गुरु। तो देर में समझेगा या पहले समझेगा? आज भी मुरली में आया, रावण कौन है? ये गुरु लोग। तो इस ड्रामा में दोस्त भी है तो दुश्मन का भी पार्ट है, लेकिन हमको क्या करना है? दुश्मन को भी क्या बनाना है? दोस्त बनाना है। दुश्मन जितना भारी दुश्मन होगा, अगर दोस्त बन गया तो बड़ी सर्विस करेगा या छोटी सर्विस करेगा? बड़ी सर्विस करेगा। तो राम ज्यादा बुद्धिमान है या संजीवनी बूटी लाने के बदले पहाड़ी उठा लाता है वो ज्यादा बुद्धिमान है? राम ज्यादा बुद्धिमान है, जल्दी समझता है। जो नहीं समझता है टाइम वेस्ट करता है। टाइम वेस्ट करने के कारण उसे भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं होती है। किससे प्राप्ति होती है?
है जो ऊंचे से ऊंचे देवता है उससे प्राप्ति होती है। इसलिए गीता में कहा है कि कोई है मेरी उपासना करने वाले जो मेरे से प्राप्ति करते हैं, दूसरे हैं जो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और तीसरे हैं जो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तांत्रिकों के पीछे लगे रहते हैं ये तांत्रिक जो होते हैं वो सब भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं। तो ज्यादा प्राप्ति किससे होगी? भगवान से डायरेक्ट ज्यादा प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम बच्चों को पौना हिस्सा सुख है इस ड्रामा में। कौन से तुम बच्चे हैं? हैं? कितनी संख्या है उनकी? 4.5 लाख बच्चे हैं रुद्रमाला के, जिनसे ज्यादा सुखी इस ड्रामे में कोई भी नहीं है। धर्म कोई धर्म वाला इतना सुखी नहीं होता। तुम बच्चों को पौना सुख है और बाकी को आधा सुख और आधा दुख है। क्योंकि तुम संगम युग में डायरेक्ट मेरे से प्राप्ति करते हो और आत्माएं मेरे को नहीं पहचान पाती, इसलिए तुम देवता बनने वाली बाब आत्माओं से प्राप्ति करती है। कोई है थर्ड क्लास, आसुरी धर्म में कन्वर्ट होने वालों से प्राप्ति करती है, और इधर एक माता जी का प्रश्न है। माउंट एबू में जब गुलजार दादी में जब ब्रह्मा बाबा आए थे तब वहाँ के एक बाई ने दादी से पूछा कि शंकर पार्टी वाले मिसगाइड कर रहे हैं, शोरगुल्ला कर रहे हैं, तो दादी ने कहा वो उनका पार्ट है करने दो। ऐसे माता जी ने माता जी पूछ रहे हैं ऐसा क्यों कहा दादी ने? इसलिए कहा कि वो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों का तो हम पोजीशन नहीं कर पाएंगे। हैं? कोई कोई हैं अहंकार में आते हैं हम अपोजिशन करेंगे, हम FIR दर्ज करेंगे, हम उनको फंसा देंगे, हम उनकी जेल करा देंगे। ऐसे अहंकार में आते हैं, जेल कराने से भी नहीं मानेंगे तो जैसे हमने और ब्रह्माकारों को मुल्के अदम पहुंचाई दिया ऐसे उनको भी हत्या कर देंगे। रावण अहंकार में आता है, भगवान के बच्चे अहंकार में नहीं आते हैं। वो झूठी रिपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं, किसी की व्यक्तिगत ग्लानी भी नहीं करते हैं। उनका काम है भगवान का दिया हुआ ज्ञान समझाना सुनाना। जो आसुरी बच्चे हैं उनका काम है ग्लानी करना, ग्लानी की बातें सुनाना। तो दादी ने तो ठीक ही कहा, आत्माभिमान में आके कहा या देह अभिमानी में आके कहा? आत्माभिमानी बनकर कहा कि अपना अपना पार्ट है, उनका पार्ट उन्हें बजाने दो, तुम्हारा अपना पार्ट बजाओ। और
लोभ और लाभ का व्याख्या लोभ और लाभ का व्याख्या भगवान का ज्ञान सुनने से लाभ होता है या हानि होती है? वो लोभ की बात है या हानि की बात है? सतो प्रधान लोभ है या तमो प्रधान लोभ है? सतो प्रधान अच्छा होता है या तमो प्रधान? सतो प्रधान लोभ अच्छा होता है। और नहीं, ये पूछा तो लौकिक की बात में भी आती है ना, ये लौकिक कौन सिखाता है और अलौकिक सेवा कौन सिखाता है? है बाप अलौकिक थी। हाँ, देवताएं अलौकिक होते हैं या लौकिक सेवा करते हैं? देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं, कोई लौकिक सेवा नहीं करते, सारी लौकिक सेवा प्रकृति करती है, तो फायदे में रहते हैं या नुकसान में रहते हैं? फायदे में रहते हैं। लौकिक संसार रावण बनाता है और अलौकिक दुनिया, पारलौकिक दुनिया बाप बनाता है। तो लौकिक लोभ में तो नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि बता दिया सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, और ईश्वरीय धंधा अलौकिक धंधा है, लौकिक धंधा नहीं है। और बाबा, जाट के चित्र में जो तुर में आने वाले दूसरे धर्मों में जन्म नहीं लेंगे क्या? थुर में आने वाले, थुर तो एक ही है सनातन धर्म, जो डालियां हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों की हैं, थुर में दूसरा धर्म कहाँ से आ गया? बिग ड्रामा में कभी भी वो दूसरे धर्म में जन्म नहीं लेंगे क्या? थुर में आने वाली आत्माएं बीज रूप आत्माएं भी हैं और जड़ों के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हैं। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो भी अनेक धर्मों की आत्माएं हैं, जिनमें दूसरे दूसरे धर्मों का बीज पड़ा हुआ है। उस बीज के कारण उनका छिलका चढ़ा हुआ है, किसी में मोटा छिलका है, किसी में पतला छिलका है। मोटे छिलके वाली आत्माएं बाप की याद में उतनी नहीं रह पाती हैं, क्योंकि देवान का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, इसलिए माया की कमजोरी रह जाती है। और द्वापर युग कलयुग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होना उनका अलग है, बीज रूप आत्माएं 4.5 लाख हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाली हैं, लेकिन नंबरवार हैं, कोई किसी धर्म के बीज हैं तो कोई किसी धर्म के बीज हैं। कोई सूर्यवंशी है तो कोई चंद्रवंशी है,
जिस धर्म के बीज हैं उनका फाउंडेशन लगाने वाले। तो उनका सहयोग भी लेते हैं थोड़ा बहुत। बाप से उतनी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगले अगले जन्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें मोह आ जाता है, उन धर्मों का जिनकी पैदाइश करने वाले हैं। बाकी जोड़ों में जो आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ज्यादा कमजोर हैं। उनको जास्ती दुख भोगना पड़ता है। बीज रूप आत्माएं भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, भले नंबरवार हैं परंतु इतनी दुखी नहीं होती हैं। हाँ, आखिरी जन्म में बहुत दुखी हो जाती है, परंतु आखिरी जन्म में उन्हें भगवान की छत्र छाया मिलती है, इसलिए सेफ रहती है। वो बीज रूप आत्माएं और आधार मूर्त आत्माएं जड़ पर बैठी हुई वो थोर भाग में जन्म तो लेती है, सतयुग त्रेता में जन्म तो होता है, लेकिन उतना पूछ पद नहीं पाती जितना बीज रूप आत्माएं ऊंची स्टेज पाती है। कमजोर होने के कारण द्वापर युग से कन्वर्ट होती रहती है। तो कन्वर्ट होगी तो दूसरे धर्म में तो जा देंगी। और माना बाबा साढ़े चार लाख आत्माएं दूसरे धर्म में जन्म नहीं लेती, जन्म लेती है परंतु जन्म लेने के बाद दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। जिस धर्म में जन्म लिया है उसी जन्म में उस धर्म में पक्की रहती है। उनको कन्वर्ट होना नहीं कहा जाता है, कन्वर्ट वो कहे जाते हैं जो जन्म लेने के बाद अपने कुल की कान को छोड़ देते हैं, दूसरा धर्म अपना लेते हैं, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं कही जाती हैं। बीज रूप आत्माएं तो मोह के वशीभूत हो जाती हैं, फिर भी कन्वर्ट नहीं होती हैं, जीवन रहते रहते। लेकिन जीवन में जो मोह आ गया वो मोह के कारण अगले जन्म में दूसरे धर्म में जन्म ले सकते हैं। और हाँ जी, बंगलौर में पहले संडे को बड़ा संगठन होता है।
तो दूसरे संडे को मैसूर में बड़ा संगठन हो सकता है। क्योंकि बंगलौर से मैसूर थोड़ा दूर है, जो आना चाहेंगे वो आएंगे, नहीं तो बंगलौर में तो संडे का संगठन दूसरा होता ही है, वहां चले जाएंगे। और ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ये गायन प्रजापिता ब्रह्म के लिए है। ब्रह्मा एक है या अनेक है? अनेक ब्रह्मा है तो नंबरवार हैं या एक ही परसेंटेज वाले हैं? तो जो पहला नंबर होगा उसे मुकर्रर तनधारी कहा जाएगा, क्योंकि ऊंचते ऊंच पार्टधारी शिव की आत्मा उसी के द्वारा पार्ट बजाती है। तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम किसे कहा जाएगा? है प्रजापिता को कहा जाएगा। और बाबा हम किसी को संदेश देंगे तो वो हमारी प्रजा बनेगी, या वो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानता है ना, तो उसकी प्रजा बनेगा। जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा, जिसकी बात मानेगा उसी की प्रजा हो गई। यहाँ तो मुखवंशावली है ना, तो जिसके मुख की बात मानता है उसी की प्रजा हुई। हम जिसको संदेश देते हैं वो हमारे, आपके संदेश को नहीं मानता, विश्वास पैदा नहीं होता, वो ही संदेश दूसरी ने आत्मा ने दिया, उस पर उसका विश्वास बैठ गया, तो उसी की प्रजा हुई ना। बाबा मन बुद्धि की संकल्प बाबा की सम्मुख है तो साथ रहने की शूटिंग होती है, विमुख है तो बाबा से दूर होने की शूटिंग होती है। कभी कभी व्यर्थ संकल्प चलती है तो उसे भी विमुख कहेंगे क्या? व्यर्थ संकल्प आते हैं, बाबा के सम्मुख रहते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं तो उसे विमुख कहेंगे क्या? और क्या, बाबा समर्थ है या बाबा व्यर्थ है? बाबा तो समर्थ है, तो समर्थ बाबा की याद से समर्थ संकल्प ही आएंगे। माया रावण व्यर्थ पैदा कराती है। अभी बाबा के सामने बैठे हुए भी व्यर्थ संकल्प आते हैं ना? बाबा के सामने बैठाना दो तरह का होता है, स्थूल में तो सामने बैठे हैं और मन बुद्धि भटक रही है, तो आत्मा भटक रही है या सामने है? भटक रही है। देह को सन्मुख थोड़ी कहा जाता है, बाप आत्मा है तो सन्मुख आत्मा को कहेंगे या देह को कहेंगे? आत्मा को सन्मुख कहेंगे, आत्मा माने मन बुद्धि।
और मन बुद्धि का डायवर्सन दूसरी तरफ हो गया तो सन्मुख कहाँ है, विमुख है। आश्चर्य में पांच आत्माए पांच पांडव है ना, पांच धर्मों के आश्चर्य पांच धर्मों के हाँ पांच आत्माए है ना, क्या है सदैव आश्चर्य में वो ब्रह्मा तो धर्मा युधिष्ठिर बन जाता है, ब्रह्मा हाँ धर्मा युधिष्ठिर बन जाता, लेकिन साकार में बन जाता या आकार में बन जाता? साकार में बाबा। साकार में ब्रह्म? हाँ बाबा। है अभी? है ना। कहाँ है? साकार में ब्रह्म है कि प्रजापिता ब्रह्म है? हाँ प्रजापिता ब्रह्म बाबा। तो युधिष्ठिर कौन हुआ? वो युधिष्ठिर हुआ। हाँ और भीम कौन से आत्मा बाबा? ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। दो पारी आओ, आओ। दो नहीं पांचों, पांचों पांडवों के पात्र भी उसी में हैं और सौ कौरवों के पात्र भी उसमें हैं। अच्छे से अच्छा भी है और बुरे से बुरा भी है। अच्छा बाबा ये अलग अलग आत्मा पार्ट बजाते हैं क्या है? अलग अलग आत्मा पार्ट अलग अलग भी है, स्पेशलिटी भी है और स्पेशलिटी में अलग अलग आत्माएं है ना। तो दिन का पार्ट कौन बजाता? जब अलग अलग है तो अलग अलग कहने में अलगाव करना पड़े। भीम देहाभिमानी के कारण ज्यादा पावरफुल है कि आत्माभिमानी के कारण ज्यादा पावरफुल है? है देह अभिमान के कारण ज्यादा पावरफुल है। देह का अभिमान ज्यादा तीखा होता है कि आत्मा का अभिमान ज्यादा तीखा होता है? आत्मा का अभिमान ज्यादा तीखा होता है। ये युधिष्ठिर में है, भीम में देह का अभिमान ज्यादा है। देह अभिमान क्षत्रियों में ज्यादा होता है या ब्राह्मण सो देवताओं में ज्यादा होता है? इसलिए क्षत्रिय धर्म से कनेक्टेड जो आत्माएं हैं जो धर्म है क्या हाँ वो ही भीम का पार्ट बजाती है, भयंकर पार्ट धारी है। चिखंड में एक पॉइंट है, त्रिमूर्ति दिखाते भी है परंतु शिव बाबा को उड़ा दिया है, फिर कहते ब्रह्मा के तीन मुख है, यह एक मुख वाला फिर कौन है? त्रिमुख का जो चित्र बनाया है त्रिमूर्ति दिखाते भी है हाँ, भक्ति मार्ग में भी दिखाया है और ज्ञान मार्ग में जो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है जड़ चित्रों की होती है या नहीं होती है? उन जड़ चित्रों में भी ब्रह्मा का चेहरा रख दिया है तो ब्रह्मा की त्रिमूर्ति दिखा दी है, शिव को उड़ाई दिया है। वही तो बाद में तुम बच्चों को प्रत्यक्ष करना है, जिसके लिए कहा है ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। एक्यूरेट किस लिए नहीं है?
क्योंकि तीनों के मुख ब्रह्मा के दिखाई दिए हैं, इसलिए भक्ति मार्ग का चित्र हो जाता है। तुम्हें तो असलियत बतानी है, वो शिव बाबा उनमें कौन सा है। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तीन तोड़े ही कहे जाएंगे, तो ये जो भी देवताएं हैं उन देवताओं में बड़े से बड़ा देवता कौन है, वो ही बड़ा बच्चा है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया जाता है। और कोई 33 करोड़ देवताओं का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, तो एक को उड़ा दिया। वो भक्त लोग उड़ाई देते हैं, तुम्हारा काम है बिठाई देना। बाबा पांच कोटि ब्रह्मा है ना, वो कौन है? विष्णु में चार भुजाएं कौन सी हैं और चार भुजाओं को चलाने वाला कौन सा है? भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य आत्मा होती हैं? है चैतन्य आत्मा होती है। जड़ शरीर का जड़ हिस्सा है भुजाएं, वो जड़ तो वही है, उन भुजाओं को चलाने वाली चैतन्य आत्मा है। मनन चिंतन मंथन की 100% योग्यता आत्मा में होगी या जड़ तो वही शरीर के अंगों में होगी? आत्मा में होती है। तो चार भुजाएं जो विष्णु की भुजाएं हैं वो भी ब्रह्मा सो विष्णु बनती है। नंबर वार और चार भुजाओं को चलाने वाला है वो भी विष्णु तो बनता है, लेकिन चलाने वाला भी है। चारों का मुखिया है, इसलिए विष्णु की चार भुजाएं चार स्थान धारण करती हैं। कोई नीचे की भुजाएं हैं, कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई दाईं ओर की भुजाएं हैं, कोई बाईं ओर की भुजाएं हैं। जो दाईं ओर की है और सर्वोपरि है भुजाओं में, उसका स्थान ऊंचे होगा या नीचे होगा? है ऊंचे स्थान है, इसलिए उसका आवाहन करने के लिए बोला है। क्या बोला है? विजयमाला का आवाहन करो, तभी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि वो ब्रह्मा का प्रैक्टिकल रूप है। एक सुनने सुनाने का रूप होता है और एक प्रैक्टिकल रूप होता है। आवाज संसार में कौन से रूप से फैलेगी? प्रैक्टिकल रूप से फैलेगी, प्रैक्टिकल प्योरिटी से होता है। तो 100% प्योरिटी, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करने वाली भी कोई आत्मा होगी जो विष्णु का अव्वल नंबर पार्ट बजाती है। भुजाओं में सर्वोपरि है,
उसके बाद ऊंची भुजा कौन सी है? है ऊंची भुजा है, प्रैक्टिकल रूप साकार में कहा जाता है या आकार में कहा जाता है? है प्रैक्टिकल रूप तो साकार कहा जाता है। तो जो ऊपर की दो भुजाएं हैं उसमें साकार पार्ट बजाने वाली कौन है और आकारी पार्ट बजाने वाली कौन है? है लक्ष्मी की आत्मा जो संगम युग में नारी से लक्ष्मी बनती है वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है, तो उससे भी ऊंची हो गई। किसे? जो आकारी पार्ट बजाने वाली कौन? ओम राधे बम। है लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट होते हुए भी ऊंचे पार्ट धारी है, पावरफुल आत्मा है। उसके बाद दो नीचे की भुजाएं हैं, एक राइटियस है और एक लेफ्टिस्ट है। राइटियस पार्ट बजाने वाली कौन है? है कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। इसलिए कर्मों में उनको फॉलो करने के लिए बोला, कर्मों में किसको फॉलो करना है? दादा लेखराज ब्रह्मा को फॉलो करना है। और लेफ्टिस्ट भुजा कौन सी है नीचे की? है प्रजापिता जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है ये लेफ्टिस्ट भी है और नीचे की भुजा है, क्योंकि ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करती है। देह का रूप हो गया कौन? जगदम्बा। और आत्मा का रूप कौन हो गया? ब्रह्मा। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पर उसका है। इसलिए मंगा को निमित्त बनाया है, माताओं को चार्ज में रखने के लिए। बाकी मम्मा ब्रह्मा नहीं है, असली ब्रह्मा चार भुजाओं के बीच में ब्रह्मा है, ब्रह्मा का पार्ट ही है बड़ी माँ का। माताएं बहुत सहन करने वाली होती हैं, तो माताओं में सबसे जास्ती सहन करने का पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया। इसलिए गुणराज है, लेकिन प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? जगदम्बा के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जगदम्बा का शरीर है, दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर नहीं है। तो नाम किसका पड़ता है?
देहधारी का पड़ता है कि आत्मा का पड़ता है? देहधारी का नाम पड़ जाता है। इसलिए जगदम्बा का पूजन होता है, ब्रह्मा का पूजन नहीं होता। मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। और जगदम्बा में अभी भी ब्रह्मा के साथ प्रवेश होता है क्या? अकेली जगदम्बा में ही क्यों, जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं उनमें मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं। हाँ, किसी में ज्यादा और किसी में कम। मैंने नंबर बार है। नंबर बार है। और बाबा अभी मैं जो जगदम्बा से द्वारा चलाई गई मूलिया है ना, वो वैसे ही अंत में भी चलेगा क्या? लेकिन जो जगदम्बा के द्वारा आदि में चलाई गई थी बुलियां, उनकी मान्यता है? मालूम नहीं बाबा। नहीं है ना, तो अंत में भी ऐसे ही होगा। मान्यता अंत में खत्म हो जाएगी। डूबी जा होने के बाद बाप ही प्रत्यक्ष होता है और सब खेल कलास हो जाता है। और बाबा विजय माला पहले आएगी या बाप की प्रत्यक्षता पहले होगा? बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं या बाप पहले प्रत्यक्ष होते हैं? ज्यादा पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है, तो बाप अपना काम पहले करेगा या बच्चे अपना काम पहले करेंगे? तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। जब प्रत्यक्ष होंगे तो संसार के सामने पहले कौन आवेंगे? बच्चे आवेंगे। रुद्रमाला पहले आती है, बाद में रुद्रमाला के मण के विजयमाला में पिरोए जाते हैं। और रुद्रमाला माना एक सौ आठ ही आएंगे क्या पहले या सिर्फ आज ही आएंगे? जो पास विद आनर होते हैं उनका रिजल्ट पहले निकलता है या जो थर्ड क्लास पास होते हैं उनका पहले रिजल्ट निकलता है? आज ही आएंगे। पहले तो वो ही आते हैं। और किसी ने पूछा है, ओम नमो शिवाय सीरियल में दिखाया जाता है, शंकर के द्वारा स्थापित काशी नगरी में विष्णु तपस्या करते समय विष्णु का आंसू निकलता है और पूरी नगरी आप्लावित होने लगती है। नगरी आप्लावित न होती है, जल प्लावन होता है। आंसू से पार्वती के कहने पर शंकर त्रिशूल से आप्लावन में से काशी को ऊपर उठाता है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? काशी नगरी अष्ट देवों में से
कौन से नंबर का मणका है? है दूसरे नंबर का मणका है। पहले नंबर का मणका और दूसरे नंबर का मणका अंत तक सुख का जो ग्रेड है उसमें अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो दूसरे नंबर का मणका सूर्यवंश में से आठ जो हैं वो अंतिम जन्म में कहां आकर्षित हो जाता है? क्योंकि अंतिम जन्म में अष्टदेव जो अपने अपने धर्म के पूर्वज माने जाते हैं तो दूसरे नंबर का मणका किस कुल का पूर्वज हुआ? भले आठों सूर्यवंशी हैं परंतु अंतिम जन्म में कहां आकर्षण हो जाता है? जिस जिस धर्म के बीज हैं उनकी ओर आकर्षण हो जाता है। त्रासी चौरासी जन्म तो हीरे पाटधारी के सहयोगी रहते हैं और अंतिम जन्म में माया उनको भी चलायमान कर देती है थोड़े समय के लिए। तो चंद्रवंश का बीज होने के कारण ये साबित होता है कि सूर्यवंशी में तो ज्ञान है पराकाष्ठा का, जिसमें ज्ञान होता है वो दुख को सुख में बदल लेता है या दुखी होता है? दुख को सुख में बदल देता है। अगर थोड़ा भी ज्ञान का अंश कम है तो दुखी हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच में आंसू किसकी आंख से आएगा विष्णु रूप में? और किसकी आंख से आंसू नहीं आएगा? शुक्र के अंक में नहीं आएगा, वे के अंक में आएगा। सूर्यवंश है वो भी विष्णु का रूप बनता है और चंद्रवंश भी विष्णु का रूप बनता है। ये विष्णु के बीज हैं, लेकिन ज्यादा दुखी अंतिम जन्म में कौन हो जाता है? अंतिम जन्म में वो मणका भी इतना दुखी हो जाता है कि जो भगवान का विष्णु रूप कहा जाता है
उसकी आंख से भी आंसू झलक पड़ता है। जब अंतिम जन्म में ऐसी अवस्था होती है तो त्रिशूल से उसको उठाया जाता है, उठाना माना दुख से सुख में परिवर्तित करना। सांस मिल जाती है दुखी जीवन में, आशा की लहर आ जाती है। जो दुखों का जंगल है वो आनंद कानन में बदल जाता है। इसलिए शास्त्रों में रूपक बनाया हुआ है, कि ऊंचा पार्ट बजाने वाली आत्मा है देवियां हैं, उनसे भी जास्ती प्योरिटी की पावर किसमें है? अनुसुईया में दिखाई गई है, काशी नगरी में। प्योरिटी की ज्यादा पावर सूर्यवंशी में होती है या चंद्रवंश में होती है? सूर्यवंश में होती है। प्रैक्टिकल जीवन में सूर्यवंशी आत्मा तो बड़े से बड़ा राजा बनेगी, तो जो बड़े से बड़ा राजा है वो ज्यादा पवित्र है या उनके मुकाबले और राजा हैं ज्यादा पवित्र हैं? द्वापर कलयुग की दुनिया में आके भारत के राजाएं पवित्र होते हैं या उनके मुकाबले जो चंद्रवंश है जो युगल का पार्टधारी है, रुद्रमाला का मणका है? इसलिए स्त्री चोला होने के कारण ब्रह्मा की औलाद भाई बहन के रूप में पार्ट बजाने वाला है या पति पत्नी के रूप में पार्ट बजाने वाला है? भाई बहन का पार्ट बजाने वाला है। तो दोनों में पवित्र कौन है? ज्यादा पवित्र है। तो उसको पू पर उठाया जाता है, पहले सेफ स्थान में रख दिया जाता है, जिसकी यादगार शास्त्रों में दिखाई है। और बाबा महाभारत भारी लड़ाई यही है, द्रौपदी या इंद्री है इस समय ऐसे बोलते, वो कंपनी में द्रौपदी कुंड बनाया ना किसके ऐसे हुआ? ज्ञान का कुंड है, अग्नि कुंड है, अग्नि कुंड है, ज्ञान अग्नि कुंड भी कहा जाता है और योग अग्नि कुंड भी कहा जाता है। कोई स्थूल कुंड की बात थोड़ी ही है। स्थूल कुंड में से द्रौपदी का जन्म थोड़ा ही हुआ, ये तो ज्ञान अग्नि कुंड है, योग अग्नि कुंड है, यहां से द्रौपदी प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। भक्ति मार्ग तो स्थूल बातें दिखाई गई है, ज्ञान मार्ग में
सूक्ष्म बातें दिखाई जाती है। ओम शांति।